हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय माठोर्स क्लासेस। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये सब्जेक्ट सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है जो कि फर्स्ट ईयर में होता है। ये सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है जिसमें हमें पास होने के लिए 17 नंबर लाने पड़ते हैं। जो लड़के या जिनका भी बैक आ गया है फर्स्ट ईयर में, जिसका एग्ज़ाम अभी जनवरी में ही होने वाला है, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। 1 byte इज इक्वल टू डैश। 1 byte कितने bytes के इक्वल होता है? तो 2 bytes, 8 byte, 4 byte या 16 byte। तो 1 byte हमारा 8 bytes के इक्वल होता है। सेकेंड क्वेश्चन, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। एनिमल डू यू लाइक, हमें इस क्वेश्चन में WH से स्टार्ट होने वाला वर्ड देखना है जो इस सेंटेंस के लिए सुटेबल है। वाई, विच, वेयर, वेन, सारे ही वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हमें कौन सा सही लगता है उस हिसाब से हमें आंसर बताना है। तो वाई का मतलब होता है क्यों, विच का मतलब होता है कौन सा, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वेन का मतलब होता है कब। तो विच एनिमल डू यू लाइक, ये वर्ड हमें सूटेबल लगता है इस सेंटेंस के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा एनिमल हमें पसंद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड डैश, इसमें हमें इस डिस्कशन के लिए एक करेक्ट वर्ड बताना है कि इन चारों में से क्या वर्ड यहाँ पे आना चाहिए। अग्रींग मतलब अग्री करना, किसी बात पे हाँ भरना। समराइज मतलब किसी चीज़ को समराइज करना, छोटा करके बताना। इंटरप्ट करना मतलब किसी की बात में आप अपनी बात कहना चाहते हो उसको काट के। और एम्फसाइजिंग अ पॉइंट मतलब कोई एक पॉइंट अपन बताना चाहते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी वर्ड कब आता है, जब अपन किसी की बात के बीच में अपनी बात रखते हैं। आई वुड मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, इंटरप्ट करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा, इंटरप्टिंग मतलब मैं आपकी बीच में, आपकी बात के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। मतलब एक इन चारों में से कोई मार्क बताना है रोहन वर्ड के बाद जो लगेगा इस सेंटेंस में। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। अब यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में 3 लोग हैं, रोहन, डेविड और राम। डेविड और राम के आगे तो एंड लगाया हुआ है, लेकिन रोहन और डेविड के बीच में भी कोई मार्क होना चाहिए जिससे पता चले कि ये 2 अलग-अलग पर्सन हैं। तो क्या मार्क हो सकता है, कॉमा। रोहन के आगे हम कॉमा लगाएंगे ताकि पता चलेगा कि इस सेंटेंस में 3 लोग हैं, रोहन, डेविड और राम, जो कि क्या कर रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। हाउ हैव यू बीन, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये क्वेश्चन पूछा है, हमें इसके लिए करेक्ट आंसर बताना है कि अगर हम किसी को ये पूछेंगे तो वो हमें वापस क्या पूछेगा। इसका मतलब है हाउ हैव यू बीन मतलब आप कैसे हो। तो थैंक यू एंड यू, थैंक यू तो कैसे होगा इसका आंसर, क्योंकि ये तो हमें पूछ रहा है कि हम कैसे हैं। ऑन वेकेशन मतलब हम कहीं के गए हुए हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है इसमें। सेम टू यू भी नहीं पूछ सकते कि आप कैसे हैं, क्योंकि वो खुद हमें पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, वेरी वेल एंड यू, मतलब वो हमें पूछ रहा है कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, अच्छे हैं। वेरी वेल का मतलब हम अच्छे हैं, एंड यू आप कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। When did the accident happen? इसके अंदर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि एक्सीडेंट कब हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है इन द होटल, मतलब होटल में हुआ था कि नहीं, ये तो पूछ रहा है कब हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है एट 10:30 लास्ट नाइट, ये मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि रात को 10:30 बजे हुआ था, तो ये आंसर हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मतलब कहीं जाते वक्त, ट्रैवल करते वक्त हुआ था, पर क्वेश्चन में तो हमें पूछ रहा है व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन मतलब कब हुआ था, तो ये भी आंसर गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन हमारा है ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे हुआ था,
पर ये पूछ रहा है कब हुआ था, तो इन चारों में से कब हुआ था, एट 10:30 लास्ट नाइट, यही ऑप्शन हमें एक सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डैश था जब मैं बच्चा था, तब मैं क्या किया करता था, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ किया करता था। तो क्या कर सकते हैं इसमें, जब ये बच्चा था मतलब ये पहले की बात बता रहा है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं विल लर्न। विल लर्न का मतलब होता है मैं अब लर्न करूँगा। लर्नड का मतलब होता है मैं लर्न कर चुका हूँ। एम लर्निंग का मतलब होता है मैं लर्न कर रहा हूँ, और लर्न का मतलब होता है कि मैं लर्न करूँगा। तो इसके अंदर ये जो बचपन की बात है, तो इन चारों में से ऑप्शन क्या होता है, लर्नड मतलब वो बचपन में म्यूजिक लर्न कर चुका है। तो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब वो बच्चा था तब उसने म्यूजिक लर्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। इस सेंटेंस में क्या पूछ रहा है कि जब हम बिना बात, बिना वर्ड्स बोले, बिना बात किए किसी से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो हम कैसे कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बिना वर्ड यूज किए इशारों से हम एक दूसरे से अपनी बात बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो रीजनल, नेशनल और ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया को हर जगह से कवर कर सकता है, वो कौन सा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमें रीजनल, नेशनल और ग्लोबल हर तरीके से हमारे एरिया के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में एक तो कंट्रोल यूनिट होती है, जो हमारा सीपीयू होता है वो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, एंड एएलयू, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दोनों मिला के हमारे सीपीयू को, सीपीयू मतलब ये कंट्रोल भी करता है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी है, जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, हार्डवेयर भी होता है कंप्यूटर में और सॉफ्टवेयर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरिकुलम वाइटे इज ऑल्सो नोन एज, सीवी को हम और क्या कहते हैं, रिज्यूम, क्या कहते हैं, रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, उसको क्या कहते हैं, कमिटमेंट, मतलब किसी काम को शुरू करने से पहले हमारा जो डेडिकेशन, जो जज्बा होता है किसी काम को करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ SMS, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, योर पेंसिल देन माइन डैश। इसमें एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव डालना है जो इस सेंटेंस को पूरा कर सके। कंपैरेटिव एडजेक्टिव मींस योर पेंसिल, हमारी पेंसिल को किससे कंपेयर कर सकते हैं इसमें से, तो ब्लंट यानी बहुत तेज है, थिक मतलब मोटी है, शार्प मतलब तीखी है, शार्पनर। अब पेंसिल को हम शार्पनर से कंपेयर कर सकते हैं कि तेरी पेंसिल तो मेरा शार्पनर, योर पेंसिल देन माइंड शार्पनर, तो क्या हो जाएगा आंसर, शार्पनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। इसमें हमें एक करेक्ट फ्यूचर टेंस का वर्ब यूज करना है जो इस सेंटेंस को सूट करे। सेंटेंस क्या है, वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, हम डैश करते हैं, हम डैश जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, कहाँ जाते हैं, जू जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट करने के बाद जू जाएंगे,
फ्यूचर टेंस क्या होता है? विल गो. तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड दे डैश गुड फ्रेंड्स. अब दे के साथ हमेशा आता है आर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए. तो क्या होगा? दे आर गुड फ्रेंड्स, वो लोग अच्छे दोस्त हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन डैश थ्रू द टनल. इसमें हमें सेंटेंस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बताना है जो इस सेंटेंस में सूट हो. क्या सेंटेंस है? द ट्रेन डैश थ्रू द टनल. अब प्रेजेंट टेंस बताना है मतलब कि ट्रेन चल रही है, टनल से निकल रही है, पास हो रही है. तो क्या होगा? इज पासिंग. प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या यूज करते हैं? इज. तो क्या सेंटेंस बनेगा? द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल. ट्रेन टनल से पास हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव डैश आर यू गोइंग. इसमें हमें क्या बताना है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बताना है सेंटेंस को पूरा करने के लिए. सेंटेंस क्या है? डैश आर यू गोइंग. अब हम किसी को पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग, तो क्या होगा कि हम कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो. तो इसमें ये हु तो लग नहीं सकता, मतलब कौन जा रहे हो. वॉट मतलब नहीं हो सकता कि क्या जा रहे हो. विच मतलब कौन सा जा रहे हो. वेयर मतलब कहाँ. तो इस सेंटेंस में क्या सूट हो रहा है? वेयर मतलब कहाँ जा रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग दैम इज कॉल्ड. कंप्यूटर में जब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को मॉडिफाई होने से इन्फेक्ट करता है यानी प्रॉब्लम करता है तो उसको क्या कहते हैं? वायरस. के जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो एक दूसरे के प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन आई मेड दिस केक. इसके अंदर हमें एक प्रोनाउन दिखाना है जो कि सेंटेंस को पूरा कर सके. क्या हो सकता है? आई मेड दिस केक, कि ये केक मैंने बनाया है. कैसे बनाया है? खुद से बनाया है, मैंने खुद ने बनाया है. तो क्या आएगा? आई मेड दिस केक माई सेल्फ, कि मैंने ये केक खुद से बनाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शी हैज हर्ट. इसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. क्या सेंटेंस है? शी हैज हर्ट मतलब उस लड़की को हर्ट हुआ है. उसने कैसे हर्ट किया? अपने आप कर लिया. तो शी हैज हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को ही हर्ट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? द लिटिल गर्ल डैश आईज रिवील्ड हर मिसचेफ. उस छोटी बच्ची की आंखों में एक चमक थी जो उसको बताती है कि वो मिसचीफ है. क्या कहेंगे चमक को? ट्विलिंग. कि उस लिटिल द लिटिल गर्ल्स ट्विलिंग आईज रिफील्ड हर मिसचेफ, कि उस लड़की की आंखों की चमक बता रही थी कि वो क्या है? मिसचेफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर. इसमें हमें प्लेस प्रिपोजिशन बताना है. क्या सेंटेंस है? माई हाउस मेरा हाउस डैश थर्ड फ्लोर. मेरा हाउस कहाँ है? थर्ड फ्लोर पे है. तो क्या आ जाएगा? माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर. मेरा हाउस कहाँ पे है? थर्ड फ्लोर पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन. क्या सेंटेंस है? डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन. ये एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि फंक्शन पे स्पीकर कौन है. तो क्या होगा? हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन. क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है मतलब वो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन हमेशा शुरू कहाँ से होता है? हु या व्हाट से. अब इस सेंटेंस में क्या वर्ड सूट हो रहा है? हु, कि भाई स्पीकर कौन है. हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मार्ट जो वर्ड है इसमें एस का क्या मतलब होता है. तो पहले देखते हैं स्मार्ट में सारे वर्ड्स का क्या फुल फॉर्म है.
एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अटेनेबल, आर का मतलब होता है रेलेवेंट, टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। तो इसमें एस का मतलब पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो एस का वर्ड मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेसिफिक। क्या होता है? स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। अब अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कम एरिया के लिए अगर कोई नेटवर्क सेलेक्ट करना है तो वो कौन सा होगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेस्चर बाइटिंग नेल शोज। बाइटिंग नेल मतलब नेल्स काटना। जब अपन नाखून काटते हैं वो एक जेस्चर होता है हमारी बॉडी का, जो कि क्या शो करता है कि हम बहुत नर्वस है, हम इनसिक्योर हो रहे हैं, हमें डर लग रहा है किसी भी चीज को करने के लिए। जब हमें डर लगता है तब हम अपने नेल्स को काटना शुरू हो जाते हैं, यानी नेल्स चबाना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होगा इस जेस्चर का मतलब? इनसिक्योरिटी, मतलब हमें डर है किसी चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेस्चर ब्रिस्क इज इरेक्ट वॉकिंग शोज। इस जेस्टर का मतलब क्या होता है? कि हम तन के चल रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं। क्या मतलब होता है? जब हम सीधे सीधे चलते हैं बिना किसी डर के, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस, के हम जब वॉक कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो में आपको आई बटन पे क्लिक करने पे, ऊपर जो राइट साइड में दिया हुआ होगा आई बटन को क्लिक करने पे सारे फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब जगह मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सारी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो ये पेपर ज़रूर ज़रूर देखें, ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने रिव्यूज़ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उससे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।